तो जैसे हम दोनों जुड़वा है ना, ये दोनों बसड़िया भी जुड़वा है, देखो शक्ल भी मिल सेम है डिट्टो। राम राम साहब, स्वागत है आप सभी का बावड़े चोरों की टप्पे खाते व्लॉगिंग में। तो भैया टप्पे थोड़े आपको पता है लेट लेट खा रहे हैं, मगर ये वाला टप्पा हाथों हाथ अगले दिन खिला रहे हैं हम, शूट हाथों हाथ अगले दिन ही कर रहे हैं, वीडियो बाद में आएगा। और जहाँ कहा रहे हैं किधर जा रहे हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है चलो। हाँ ये क्या साफ करी तूने गाड़ी, ये बता कहाँ जा रहे हैं? नहीं हम तो जा रहे ना, तूने क्या गाड़ी साफ करी है? तो भैया अभी हम जा रहे हैं रोहट, एक ऐसी गौशाला जहाँ निस्वार्थ भाव से गायों की सेवा होती है, और वो एक सेकंड ऑफिस कह लो, सब ऑफिस है बॉस का, बॉस जानते हो ना, दकोदर वारघाट। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसी सेवा होती है, क्या होती है। रोहट पहुंचते हैं, आपको गौशाला दिखाते हैं, और बीच में रोहट के मिर्ची बड़े खाते हैं। चलो ये तो मिर्ची बड़े खाने जा रहा है, व्लॉग बनाने नहीं, व्लॉग भी बनाने जा रहा हूँ मैं, मिर्ची बड़े भी खाऊंगा। और मेरे को मम्मी ने भी कहा कि मिर्ची बड़े लेते आना। ये हमारे बाहर निकलते ही गो माता ने हमको दे दिए आशीर्वाद, दर्शन दो, दर्शन, जय गो माता, जय हो, जय हो। चलो चलो ठंडे तो बच्चे बेटे वो खेल रहे, चिड़ी बल्ला, चिड़ी बल्ला। क्या मेरी तरफ क्या बार बार कैमरा ले रहे हैं भोंगे, आगे का दिखाना सर। तो भैया गौशाला जाने से पहले हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए भोजनशाला, भोजनशाला नहीं, रोड के फेमस मिर्ची बड़े है जो यहाँ तो पड़ेंगे ना यार, ऐसे फिर क्या करेंगे, तो बुरा मान जाएंगे ना मिर्ची बड़े हमसे, नाराज हो जाए, नाराज मत होना। तो मिर्ची बड़े खा के फिर गौशाला जा रहे हैं, ठीक है। डपोर की पंक्ति हो चुकी है, ये डपोर है इसको ध्यान ही नहीं था, गौशाला भी चले गए घुमा के आगे से वहां बिताना पड़ रहा है। अब इतने देखो कितने हुनरबाज है, कट आ गया अभी मेरा चूक गया तो मेरे को भी करना पड़ेगी। तो मुड़ते हैं बस गौशाला पहुंचते हैं आगे। ये जो आपको झंडे दिख रहे हैं ये गौशाला भगवा झंडे है, भगवा झंडे सनातन की पहचान। और ये गौशाला हम पहले ताप के आगे जा चुके थे, फिर ये फोन करके पूछता है ये गौशाला तरीके भैया ये रही वो गौशाला, देखो क्या बढ़िया व्यवस्था है। बाकी अंदर जाके आपको दिखाते हैं। ये हम अंदर घुस रहे गौशाला के, ये गौशाला और बाकी आपको पूरी व्यवस्था दिखाते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं राधे कृष्णा गौशाला, और ये हैं ललित जी जो इसका कार्यभार संभालते हैं। अब आपको पूरी गौशाला के बारे में बताएंगे धीरे धीरे करके। तो आते हैं, जोरदार स्वागत सबके, सब बालाजी के भगत है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो कल यहाँ पे एक गो माता भी आई है जो विकलांग है और लंपी के समय यहाँ पे आई थी। तो आइए देखते हैं क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, कैसे लोग सेवा करते हैं, क्या करते हैं, आइए। ये देखिए पूरी गायों की व्यवस्था है, किस प्रकार से सेवा करते हैं सब आपको। मिट्टी देखो, मिट्टी इसमें भी कंकड़ नहीं है, जैसे बॉस की गौशाला में कंकड़ नहीं है ना, इसमें भी कंकड़ नहीं। ये देखो ये सारी गो माता, तो ये है वो गो माता, देखो कितनी शाइनी है, पक्का है वो छोटा सा बच्चा का है। ये वाला पाँव नहीं है ना इनके, आगे वाला पाँव हो गया, उसमें खुर की जो बीमारी छोटी थी तो हमने काटा, अभी क्या माँ के हिसाब से वो थोड़ी बहुत तो करेगी, मगर आप फिर भी बहुत शांत है, बहुत शांत है। माला सुहानी नहीं है इसको, कितना प्यारा सा छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है। तो देखो इस गौशाला को है ना एकदम सेक्शन में बांट रखा है इन्होंने, ये वाला जो पोर्शन है ना ये आईसीयू है। अब जैसे जो गौ माता सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त कंडीशन में या बीमार है वो देखो यहाँ है, जैसे ये इनके आई भी लग रहा है, ये इनके देखो ये लग रहा है। और उसके बाद देखो ये एक जैसे बाहर से आई गया है बछड़ा, वो देखो डॉग बाइट का केस है। तो इनको सबको जैसे जैसे, और फिर जैसे जैसे ठीक होती जाती है आगे आगे सर खिसकाते जाते हैं, हम यही रख रहे हैं, यही रखते हो। इसके अलावा कोई गौशाला से जैसे कोई बीमार लेके आ गया, उसको हम स्वस्थ, अच्छा वो आगे डिपेंड करता है कि उसके पास में व्यवस्था कैसी है। तो ये वाला पूरा सेक्शन जो है ये आपका आईसीयू का है, आईसीयू का, चलिए आप इलाज, जहाँ खड़ी नहीं हो पाती, ज्यादा अत्यधिक घायल होती है तो वो यही है। तो ये वाला पूरा सेक्शन जो है ये आईसीयू का है, आओ देखो देखते हैं इसमें, जैसे हर गाय आपको बीमारी मिलेगी यहाँ पर। इन गो माता के क्या हुआ, इसका पैर कटा हुआ, पैर पीछे से क्या हुआ, किसी डंपर वाले ने ऊपर से निकाल दिया था, बैठी थी और ये भी प्रसवी थी। हाँ तो मालिक अफोर्ड नहीं कर पाया तो वो यहाँ रखे, इसको छोड़ के गया, हम इसका उपचार करें, स्वस्थ होने के बाद में हम इसको मालिक को सौंपेंगे, वापस सौंप देंगे। अभी डिलीवरी हो गई इसकी, डिलीवरी तो हुई हुई है पहले से, और क्या कैंडल डाला हुआ था कि ये चाटे नहीं, चाटे नहीं, स्टील का कैंडल इसके गले ना। तो सेवा कुल मिला के बहुत जोरदार तरीके से, ये देखो ये स्टील का कैंडल, ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, ये मेरे को भी मतलब हर जगह नहीं मिलता, ये इसलिए लगा रखा है ताकि वो अपना घाव नहीं चाटे, है ना, घाव नहीं चाटे। इसको कितने दिन हुआ है, इसको 20 दिन हुए, तो काफी सुधार हो गया, तैयार हो गई।
क्योंकि जनरली क्या जब सूज जाता है पैर तो उसमें हम कर नहीं सकते, उसको पहले घाव को सूजन कम करके और फिर उसका एंटीसेप्टिक डेली जो भी होता है चलने लग जाएगी पूरी आराम से, विकलांग पूरी चलूंगी। ओ ये गोमाता जो आप देख रहे हैं इनके इनके ये जो बोलते हैं ना अपने काक वाला पोर्शन, इधर से दिखाता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे घाव था, दिख रहा होगा, दिख रहा है हाँ। अब तो काफी सारा भर गया, मतलब सही रूप में कई जैसे गौशालाएं होती है वहाँ पर जैसे अच्छी गायों की सेवा होती है, ये उन गौशालाओं में से है जहाँ पे क्षतिग्रस्त गाय जो घाव है पीड़ित है उनकी सेवा होती है, और सच्चा धर्म तो भैया यही है। तो भैया देखो एक और आपको दिखाते हैं, कई असामाजिक तत्व होते हैं जिनके वजह से गायों को भुगतना पड़ता है। तो ये जो गोमाता आपको दिख रही है उनके ये देखो खून आपको दिख रहा होगा, ज्यादा पास से इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हृदय विदारक दृश्य है, तो तेजाब डाल देते हैं कुछ डाल खेत में आने से, तो इस तरीके की हरकतें ना करें, गाय तड़पेगी तो आने वाला अपना समाज मतलब कहते हैं ना अपना भविष्य खराब ही। देखो सनातन धर्म का नाश गायों के नाश शुरू होने से ही होता है, तो जैसे गायों की संरक्षण सबसे ज्यादा करो, और इस गौशाला की एक चीज और सबसे बड़ी खास है कि ये स्वस्थ गाय नहीं लेंगे, जो बीमार होगी वो ही लेंगे। ये देखो एक और सिर से कस के बांधने का दुष्प्रभाव, इस गाय को कितना तड़पना पड़ रहा है, और वो तो ये भैया है जो इतनी सेवा करते हैं, और वास्तविकता होती क्या है कि अगर किसी गौ सेवक के आमतौर पर अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्या करता है छोड़ देता है, क्योंकि इतनी सेवा कौन करेगा, क्योंकि गाय है इंसान तो है नहीं जो समझेगा सेवा हो रही है, अगर आप उसके घाव पे इलाज भी करोगे तो वापस रिएक्ट करेगा, रिटेलिएट करेगा। तो देखो जो भी सर से बांधे वो ढीला बांधे, ढीला बांधो, और अगर बांध भी मैं तो कह रहा हूँ बांधो ही मत सर से, हमारी जैसी गाय आप लोग देखोगे जैसे मेरी झूमर है हमारी गाय, हम लोग उनको सर से नहीं बांधते, हमारी गायों को तो पसंद ही नहीं है सर से बांधना। इंसान के जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो आपने देखा होगा कि पट्टा बन जाता है, और हमारे बगीरे के भी देखा होगा कि वो हम फोमस बंधा के लाए थे, तो गायों का ये देखो पहली बार दिखा रहा हूँ, ये नंदी महाराज का पांव फ्रैक्चर हो गया था, और हाँ इसमें हड्डी काटी आपने? नहीं हड्डी नहीं काटी, इसमें हड्डी काटे बिना वापस इसको प्लास्टर किया है ताकि ये सही हो सके, और ये नंदी महाराज आए थे जब बहुत गुस्से थे, देखना अभी भी होंगे शायद, अब नहीं अब बहुत है थोड़े से तो देखो ये है लंपी का नुकसान, ये देखो लंपी के समय पर आई भी गए हैं, अब तो काफी रिकवर हो चुकी है, मगर लंपी ने गौ सेवकों का और गौ पालकों का सबसे बड़ा नुकसान किया, जो अच्छी अच्छी गायें थी उनको भी लेके चलेगी। ये आप देखो अब रिकवर हो रही है गाय गौ माता, और कितने टाइम बाद लंपी के जाने के, इतने टाइम बाद लगभग एक डेढ़ साल हो गया, एक डेढ़ साल बाद अब जाके रिकवर हो पा रही। तो देखो यहाँ पे जो गाय लगभग ठीक होने लगती है ना फिर ये लोग क्या करते हैं जैसे कुल्ला छोड़ देते हैं यहीं पे, यहीं कंपाउंड में छोड़ देते हैं ताकि ये क्या कंपाउंड में घूमे फिरे, ब्लड रोटेशन बने, और जिससे इनको भी महसूस हो गया हाँ ये हमारा घर है और हम यहाँ स्वस्थ हैं, और इनका शरीर का वो ब्लड रोटेशन बढ़ता रहे। ये ललित भैया की गौशाला का कैंसर पीड़ित वार्ड है, और यहाँ पर देखो सारी गाय जो जिन जिनको कैंसर है ना, किसी को हॉर्न कैंसर है, किसी को शरीर में कोई समस्या है, मेन शरीर के अंदर कैंसर है जिनको है ना कैंसर, वो तो उन सब का इलाज यहाँ होता है, और ये उन्हीं के बछड़े सब, उन्हीं के बछड़े, कुछ अनाथ भी है कुछ माओ के भी है, वो कुछ अनाथ भी है कुछ माओ के, छोटे छोटे कैसे प्यारा लग रहा सब, सब एक साथ ठंड है ना आज, आज ठंड है थोड़ी सी। देखो एक गौ माता यहाँ पर आज सुबह भी आई थी, काले कलर की गौ माता है, वो बछड़ा है बछड़ी है, बछड़ी आप अंदर जाओ ना, बछड़ी है टोकड़ी है ला रहे टोकड़ी है, चलो देख के आते हैं, अंकल जी की बात सही है, तोड़ा दिया तो लपड़ो विजय, नहीं नहीं परताट लिया, और ये बच्चे लावा बच्चे आरो कर रही है, वो देखो साइड में जाके बैठी एकदम चुपचाप दूध बट लिया बट लिया कैसे भाई। देखो गाय को माँ क्यों कहा जाता है वो बताऊं, ये दूसरी बछड़ी है इसकी नहीं है, ये आके चूंग रही है, और इसमें भी एक आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या है ना, इस गौ माता की दो जुड़वा बच्चे जैसे हम जुड़वा है ना, आओ दिखाते चलो, देखो आओ दोनों बछड़े है क्या, दोनों साथ में और बैठी है, साथ में रहती है दोनों, प्रेम है इसका बहुत प्रेम, दोनों साथ में रहते हैं, भगवान ने कितना खेल करता तो जोरदार, दोनों बछड़ियों को साथ में भेजो और दोनों साथ में रहती है, सकल सूरत भी एक जैसी, कितनी प्यारी कितनी प्यारी सेम है ना, सेम। तो जैसे हम दोनों जुड़वा है ना, ये दोनों बछड़िया भी जुड़वा है, देखो शक्ल भी मिलती है, सेम डिट्टो इधर आओ इधर आओ, मेरा मारने की है आजा, ए क्या हमने तो खेलने जा रहा, अब ये भी कहीं पीछे पीछे उसके, ये इधर एक और गौ माता है जिसमें दूसरे दो बछड़े चूंग रहे हैं, ये यहाँ इस ये भैया कहते हैं ललित भैया के इस जगह की खासियत है कि यहाँ कोई सा भी बछड़ा किसी को भी जाकर चूंग जाता है, और वैसे बात सही है आमतौर पे हर गाय दूसरे बछड़े को नहीं चूंगने देती है, बहुत कम केसेस होते हैं,
और तीसरी चीज ये है कि देखो इनगो माता को कैंसर है, सींग का कैंसर है, वो वाला सींग दिख रहा होगा आपको, देखो ये देखो। तो इनका कल ऑपरेशन होगा। और ललित भैया ने एक चीज और ये बताई है कि जैसे ऑपरेशन होने से 24 घंटे पहले भूखा रखना पड़ता है, अब ये गो माता भूखी है उसके बावजूद इनको दूध पिला रही। तो देखो ऐसा नहीं है कि गौशाला है तो खाने को कुछ भी डाल देंगे, गायों के लिए अच्छी क्वालिटी का उत्तम चारा है। साथ में उधर देखो नमक की भी प्रॉपर व्यवस्था है, जैसे हमारे फार्म पे है ना गायों के लिए टाइम टू टाइम चाटने के लिए मिलता है, वैसे इनको भी मिलता है। देखो पौष्टिक चारा है। तो देखो बीमार से जो सारी गायें स्वस्थ हो जाती है उसके बाद इनको यहाँ लेके आया जाता है, शाम को चारा खाने के लिए अंदर लेके जाया जाता है। और जैसे ये खेली है, कई दान दाता होते हैं जो खेली बना के दे देते हैं, जो भामाशाह होते हैं उन पे उसका नाम रख दिया जाता है। ये सब घूम के एक चीज जरूर समझ में आएगी, जैसे ये लोग भैया काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, गायों के लिए काम कर रहे हैं, मगर इनको सबसे ज्यादा समस्या आ रही है अभी फंड्स की। तो अभी अपन पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, जगह देख लेते हैं, फिर आप लोगों को एंड में स्कैन कोड देंगे। गौ माता की सेवा करनी है तो सीधे यहाँ आके करना। यहाँ सेवा इतनी अच्छे से की जाती है कि तीन पैरों की गांव भी मतलब वो तैयार हो गई, अभी देखो ये चल रही है आराम से। और अपना मतलब वो क्या कहते हैं जीवन यापन अच्छे से कर रही है, इन सब के बीच में रह रही है, अपना चारा खा रही है, संघर्ष पूरा कर रही है, संघर्ष पूरा कर रही है। वो एक और है वो बछड़े जो 2 वर्ष के 3 पत्ते, पौष्टिकता की कमी नहीं है, पौष्टिकता गुज्जी इनको गवार की दलिये की सर, कुल मिला के व्यवस्था पूरी है, पूरी है। मतलब ये चीज आगे देखी कि मतलब करने वाला होना चाहिए। हमने बड़ी बड़ी गौशालाएं भी देखी है जहाँ पर मतलब गंदगी और व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती है, और हमने छोटी छोटी सी, जैसे ये देखो ये बहुत छोटी सी गौशाला है, मगर इन लोगों का करना और सेवा करने का मन इतना है, आपको एक तो कचरा कहीं नहीं दिखेगा, देखो पूरी गौशाला साफ। हाँ, अभी तक घूम के हमें भी नहीं दिखा, अपन को कहीं नहीं दिखा, तो जैसे बॉस की गौशाला में नहीं दिखता आपकी गौशाला में भी नहीं दिखता। और इधर भैया की गौशाला में ये देखो सारी मेडिकल से जितनी भी जरूरतमंद सामग्री है सब है, इनके यहाँ खत्म होते हैं उससे पहले उसको लाके रखते हैं। पूरी व्यवस्था देख रहे हो, हर चीज पट्टी हो चाहे दूसरी दवाई हो स्पिरिट हो, एक एक चीज की व्यवस्था ढंग से कर रखी है, मतलब किसी भी चीज में कमी नहीं है। तो ये है ललित भैया की गौशाला की पूरी टीम, देखो सबको अपना अपना कार्यभार संभाला रखा है ड्रेस कोड के साथ साथ। और एक चीज सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे इनके पास सारी सुविधा है, सारी व्यवस्था है, और जैसे कि कोई आपको एम्बुलेंस देके जाता है, कोई इनको चुग्गा करा देता है, कोई इनको जैसे औजार दे देता है गायों की परिस्थिति के लिए। मगर हाँ, ये सब देख के एक चीज समझ में आई कि जैसे आप लोग या हम लोग, हम जब जाते हैं डोनेशन देते हैं गौ सेवा में अपनी सेवा करते हैं, तो हम ऐसी गौशालाओं में करते हैं कई बार जो मतलब सबल होती है, सुदृढ़ होती है, उनको इतने अमाउंट की जरूरत नहीं है। अगर वास्तविक गौ सेवा करनी है और गौदान करना है तो यहाँ इस गौशाला में करो, स्कैन कोड आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी आपने गायों की परिस्थिति यहाँ देखी, ये लोग कैसे सेवा करते हैं, जिन गायों के घाव हमसे देखे भी नहीं जाते ये उनको तैयार करके ठीक करते हैं। तो इनकी गौ सेवा में जरूर मदद करिएगा, स्कैन कोड आ रहा है, जितना अपनी तरफ से हो सके करो और गौ सेवा में अपना हाथ जरूर बताओ। जय गौ माता जय गोपाल। भाई लोगों, जैसा कि आपको पता है हम आपको गौशाला दिखा चुके हैं, और ये मैं नीचे एंगल रख के इसलिए आपको शूट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको दिख सके हमारी गाड़ी में सनरूफ है। अब हम जा रहे हैं पाली, पापा मम्मी के लिए ले लिए मिर्ची बड़े, और पाली से फिर हम जाएंगे हमारी गायों के पास वसुधा गौ ग्राम। तो भैया घर से रवाना हो चुके हैं हम वसुधा गोग्राम के लिए, बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं, हमको भी गायों की बहुत याद आ रही है, तो चलो चलो। तो इतने दिनों के बाद भैया हम जा रहे हैं वसुधा गोग्राम, तो हमारी वहाँ पे गौ माता इंतजार कर रही है, हमारा मन भी लगेगा और हमारा मोगली भी वहाँ इंतजार कर रहा है, बगीरा का भी देखना है, पैर टांग फ्रैक्चर हुई थी, अब कैसी है क्या है, तो अब जाके जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, संभालनी पड़ेगी, और एक और नई गौ माता लेके भी आनी पड़ेगी, है ना। चलो चलो फटाफट चलो चलो चलो, मैं फार्म में यहाँ पहुंच गया हूँ, मोगले है वहां पर, हवा लगूं मोगले, ए मोगले, मोगले आता है कि नहीं आता है, मोगले मोगले आओ, आजा बेटा मोगले, वही मोगले इससे रुकी नहीं रहा, अबे बच्ची लग रही है, बड़ा हो गया, अरे बस बस।
बस बेटू बस 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 ये देखो कितने लाड़ गेले हो रहे हैं दोनों आए। कह रहे हो बड़े दिनों बाद आए रे, बड़े दिनों बाद आए। ऊंचाई मत, इसने अपना थॉमस भी तोड़ दिया ये देखो। पाँव तो सही है इसका, इसने अपना पाँव ये थॉमस तोड़ दिया ये देख तोड़ दिया। बोलो बढ़िया बढ़िया बिल्कुल। ये बहुत बहुत चिकन है बहुत। ये देखो मोगली सूट कैसे डरता, देखो जल मत जल मत, जला मत जला मत वालूड़ा वालूड़ा ले वालू। ओ ये मेरा देन का देन का, जल मत जल मत देन का देन का, देन का। ये पून का, ये पूना कैसा बेटा? ओ पूना भी अच्छा है। ओ हो हो ओ हो हो देखो चाट रही है पूना। अरे वाह के लाड़ में मत आ जाता। और अब हमारी सबसे फेवरेट जुमरा। ओ जुमुन कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए ना। ओ या वो जुमरिया, हां जुमरिया याद आई। लाड़ में मता लड़ाई। और ये देखो ये कौन है इधर। ओ ले ये कौन आ गया, हमारे सारे कीचड़े पीटड़े इधर ही आ रहे हैं। सब आ रहे हैं, सब पास आ रहे हैं। ये ला हमारा कुला कुड़ा, ये आके चिपकी बैठी है कि बहुत दिन हो गए। देखो सर, अरे तू लाड़ में मत आए। अक्कू कहते हैं मैं बच्चा